told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आजा तेरा आ चल ये प्यार से मैं भर दूँ, प्यार से मैं भर दूँ खुशियाँ जहाँ भर के तुझको नजर कर दूँ, तुझको नजर कर दूँ मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है. दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत. आज है मेरा बहुत ही स्पेशल वाला दिन, मेरा बर्थडे. आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज के दिन को मैं कैसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहती थी. काफ़ी कुछ शेयर किया है मैंने अपने व्लॉग्स में, और काफ़ी कुछ रियली में प्लानिंग की थी, काफ़ी कुछ सोच के रखा था. बहुत लंबी सी विश लिस्ट थी मेरी, बहुत कुछ था, अब है नहीं. क्योंकि हमेशा हर साल की तरह इस साल भी उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरे बर्थडे के टाइम पे, प्लस बारिश, प्लस इसके पापा की व्यस्तता, इतने सारे उनके शेड्यूल प्लान्ड हैं कि मैं क्या ही बोलूं. मतलब कल मैं यही सोच रही थी सारा सब कुछ, जब मुझे पता चला मैंने कहा मैं क्या क्या करूंगी. मैंने तो सोचा था कि मैं इसे बहुत स्पेशल बनाऊंगी, बहुत ख़ास बनाऊंगी, मुझे ये भी चाहिए, ये भी ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है. लेकिन वही है, गिफ्ट्स आपको ढेर सारे मिल जाते हैं लेकिन किसी का टाइम नहीं मिलता है. टाइम लेना कितना मुश्किल है. सो उत्कर्ष तो मुझे दे रहे हैं, काफ़ी टाइम दे रहे हैं कि नहीं मम्मा मैं पढ़ाई पहले से कर चुका हूँ, आज का पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करूँगा. लेकिन फिर भी अंदर से दुख दुख लगती है ना, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इतने टफ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, कहीं मेरे बर्थडे के चक्कर में मेरे बच्चे के नंबर ना कट जाएँ. तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है साथ में. और आज मैंने सोचा था कि मैं आज का व्लॉग अपने न्यू मोबाइल से बनाऊंगी, जो मेरा 16 सितंबर को ही डिलीवर होने वाला था, अभी तक तो हुआ नहीं है, हो सकता है शाम तक हो. तो अपने पुराने मोबाइल से ही बना रही हूँ, जो एक और मेरा सेकंड मोबाइल था. और इसका चूँकि मैं बैक कैमरा यूज़ करती हूँ, सो मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ. दोस्तों कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि ये कट रहा था, वो कट रहा था, ठीक से आपने सेट नहीं किया. उसका रीज़न यही है कि इसको कैसे सेट करूँ, मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ, उसका फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरी आदत जिस कैमरे से बनाने की थी वो ख़राब हो गया है. तो अब मुझे कोई दूसरा भाता ही नहीं है, क्या करूँ. सो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बीच में क्या क्या कर सकती हूँ वही कर रही हूँ, और आज के दिन को ख़ास बनाना शुरू किया है आप लोगों के साथ. यही था मेरा मिला जुला सा सोचा समझा प्लान जो हो गया. लेकिन मुझे उत्कर्ष ने एक बहुत ही प्यारा सा लवली सा कार्ड बनाया था, जो कि सरप्राइज़ कार्ड था, और इसका सरप्राइज़ मैंने ही चौपट कर दिया. क्योंकि मैं जब अपना रूम अरेंज कर रही थी तो इसने ना उसे गद्दे के नीचे दबा कर रखा था ताकि उसके ऊपर के स्टोन्स वगैरह चिपक जाएं, और मैंने उस गद्दे को हटा दिया तो इसका कार्ड जो है बड़ा खैर बहुत सुंदर सा बनाया था. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चूज़ किया था, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ. और साथ में उत्कर्ष ने मुझे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है, जब देगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. हालांकि हर चीज़ बोलता है मम्मा ये मेरी तरफ से, मम्मा ये मेरी तरफ से. मैं इससे बोलती हूँ तुम सिर्फ अपना रिजल्ट अपनी तरफ से मुझे दे दो, वही मेरा बर्थडे गिफ्ट, वही मेरा मदर्स डे गिफ्ट, सब कुछ वही है. क्योंकि इस टाइम पे वही है, मैच में आजकल ध्यान चला जा रहा है, मैच आ रहा है, कौन खिलाड़ी गया, किसने कितने रन बनाए, ये सब कन्वर्सेशन इसके पापा चाचा करते रहते हैं, उसी में इसका ध्यान भी चला जाता है. तो डिस्टर्बेंस तो बहुत है. तो मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, वो भी इससे, कि तुम बस सिर्फ अपनी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई कर लो, बस मेरे लिए वही बहुत है. सो ये तो मेरा अभी का हिसाब किताब है. आगे केक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं बर्थडे पे ही कुछ बाहर का थोड़ा बहुत खाती हूँ, अदरवाइज तो हमेशा घर का ही खाती पीती हूँ. सो केक कटिंग होगी. और हाँ, इसके पापा से रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा हमें बाहर ले चल सकें तो ज़रूर से ले कर चलें. मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल, और उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं हम.
सो जहाँ भी जाएंगे आप सबको ज़रूर से वहाँ के दर्शन कराएंगे जो भी कुछ मतलब है। अच्छा, मैं ऐसे मंदिर वगैरह जाऊँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे हम बाहर निकलते हैं ऑलमोस्ट सारे मंदिर वगैरह बंद रहते हैं, तो जो भी भगवान जी की पूजा आराधना होती है वो मैं घर में करती हूँ, मम्मी पापा जी सबका आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर बाहर हम कहाँ जाएंगे, मुझे तो सिर्फ हाईवे दोनों तरफ ग्रीनरी हो, बस वहाँ पर कोई बाइक राइड करा दे, मुझे बस वही चाहिए, मुझे इसी तरह की बस हवा लगनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि मैं इसी तरह की ट्रिप को कितना एंजॉय करती हूँ। सोच तो हम लोग ऐसे ही रहे कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे मैं साल डेढ़ साल से नहीं गई हूँ, तो साल में एक बार विजिट करना तो बनता है। हर जगह कुछ ना कुछ नया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा नया चेंज होता है, तो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जाऊँगी तो आप सबके लिए उसका अलग से व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि जबलपुर में घूमने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि अंकिता जी आप जब इस तरह की चीज़ें बनाइए तो उसका अलग ब्लॉग बनाइए, ताकि वो एमपी टूरिज्म और क्या, हाँ हम कभी जबलपुर आना चाहें तो हमें आपसे पूछना ना पड़े, उसके लिए हम आपके कुछ ब्लॉग्स पहले से देखे रहेंगे, तो आके आराम से इत्मीनान से सब घूमेंगे। तो बिल्कुल मुझे उनकी सलाह बहुत अच्छी लगी, मेरे इतने अच्छे अच्छे खास खास फ्रेंड्स हैं, और लाइफ में मुझे रियली में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड YT पे मिले हैं। मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी तक के जितने भी इतने ज़्यादा पॉजिटिव वेव देने वाले मुझे YT पे मिले हैं, पता नहीं कैसे, या हो सकता है कि मैं पहले इतने अच्छे अच्छे लोगों से ना मिल पाई हूँ, लेकिन अब मैं मिल गई हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो मत ही पूछिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। जो भी कुछ मैं करूँगी, जो भी कहीं मैं घूमने जाऊँगी, वो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी, और आप लोग उसे भी इंजॉय कीजिएगा, पहले मैं तो इंजॉय करके आ जाऊँ। लेकिन जाने से पहले मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और मेरे साथ साथ मेरे बेटू को भी दीजिए, क्योंकि मुझे वाकई में आज के दिन अकेला अकेला लग रहा था, लेकिन ये जैसे ही आया है वैसे ही मुझसे चिपक गया है कि बस अब तो मैं आप ही के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँगा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल डे है, और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं इसे और स्पेशल बनाती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये है वो क्यूट सा कार्ड जो उत्कर्ष ने बनाया था और छुपाया था, और मुझसे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था और मैंने इसे खींच दिया तो इसका फ्लावर थोड़ा सा उखड़ गया है, लेकिन मैंने उसे दोबारा से लगा देने की कोशिश की है। अंदर इसने जो है उत्कर्ष पाठक क्लास 3rd भी लिखा है, बेटू प्यारा बेटू हैप्पी बर्थडे माँ, अभी ये सब कुछ नहीं लिखा है। और उसका कहना था कि वो अपने पापा से अच्छा सा प्यारा सा माँ के लिए कोट मांग रहा था गूगल से जो उसे नहीं मिला है। लास्ट ईयर उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था, तो इस बार वो कुछ अलग करना चाह रहा था, सो अभी उसके पापा ने उसकी हेल्प नहीं की है। आप लोगों को कार्ड कैसा लगा?